मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब खबर आई है कि सैकड़ों ट्विटर कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को कंपनी की ओर से एक गूगल फॉर्म भरने को कहा गया था जिसमें बड़े पैमाने पर विदाई संदेश लिखे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो ट्विटर के कर्मचारियों के पास गुरुवार दोपहर 2 बजे तक एक गूगल फॉर्म दिया गया था जिसमें सवाल था कि क्या वे ट्विटर में बने रहना चाहते हैं। इस पर गूगल फॉर्म पर कर्मचारियों को हाथ चुनना था लेकिन इसके बजाय कर्मचारियों ने विदाई संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया। ट्विटर कर्मचारियों को पहले बताया गया था कि वे ट्विटर की रोमांचक यात्रा के लिए साइन ऑन कर सकते हैं या कंपनी से अलग हो सकते हैं। जैसे ही सामूहिक इस्तीफे की बात सामने आई टेक जर्नलिस्ट जोए शिफर ने बताया कि ट्विटर ने अपने सभी ऑफिस बंद कर दिए हैं और बैज एक्सेस को भी निलंबित कर दिया है। शिफर की रिपोर्ट कहती है कि मस्क और उनकी टीम डरी हुई है कि कहीं कर्मचारी कंपनी में तोड़फोड़ करने की कोशिश ना करें। मस्क की टीम अभी भी इस काम में जुटी है कि उन्हें किन कर्मचारियों को ऑफिस में एक्सेस देने की जरूरत है। शिफर की माने तो ट्विटर की ऑफिस 21 नवंबर को फिर से खुलेंगे। बता दें कि एलन मस्क ने करीब 1 महीने पहले कंपनी को खरीदा था जिसके बाद से ही ट्विटर में छटनी का दौर शुरू हो गया। इसके अलावा कंपनी का नया ट्विटर ब्लू वेरिफिकेशन सब्सक्रिप्शन प्लान भी विनाशकारी रोल आउट बताया जा रहा है जिसे कई बार अपडेट और बदला गया। ट्विटर के 7,500 कर्मचारियों में से करीब आधे से अधिक लोगों ने इस्तीफा दे दिया है या उन्हें निकाल दिया गया है। इस बीच ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि इस दौरान ट्विटर रिकवर हो पाएगा भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चंदन चटर्जी।